चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार पवन सिंह का जलवा दिन ब दिन भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर बढ़ता ही चला जा रहा है। सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म 11 मई को रिलीज हुई फिल्म वांटेड भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आ रही है। जी हां, बिहार और झारखंड में तीसरा सप्ताह वांटेड का शानदार प्रवेश कर लिया गया है। आपको बता दें कि तीसरे सप्ताह भी बिहार के सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई करती हुई पवन सिंह की फिल्म वांटेड नजर आ रही है। अब मीडिया रिपोर्ट से यह खबर आ रही है कि वांटेड की सफलता के बाद अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने वांटेड 2 बनाने का निर्णय ले लिया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि वांटेड 2 के नाम से पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वांटेड 2 का सिंपल पोस्टर सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में शेयर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि वांटेड के सफलता के बाद क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वांटेड 2 बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, यह तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वांटेड ने भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया अध्याय रचा है वो वाकई में ही काबिलए तारीफ है। वैसे आपको बता दें कि 2018 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर अभी तक की पवन सिंह की फिल्म वांटेड साबित हुई है। वांटेड में पवन सिंह दमदार डायलॉग के साथ दमदार अभिनय भोजपुरिया दर्शकों को खासा ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ फिल्म वांटेड में पवन सिंह पहली बार गाली गर्ल मनी भट्टाचार्य के साथ जोरदार रोमांस करते हुए बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं मनी भट्टाचार्य और पवन सिंह पर फिल्म आया हुआ रोमांटिक गाना पलंगिया सोने ना दिया दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। यानी कि फिल्म वांटेड में वह सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती है। तभी तो पवन सिंह की फिल्म वांटेड एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजा पाई।